हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट 2015 सितंबर के पेपर को क्रिटिकली इवेल्युएट करने जा रहे हैं कि पेडागॉजिकल पर्सपेक्टिव किन किन पहलुओं को आपको ध्यान रखना चाहिए पेपर को पढ़ते समय। सीटेट के पेपर को डिकोड करते समय हमें ज़्यादा जोर कंटेंट पर देना चाहिए या ज़्यादा जोर कंप्रिहेंशन देना चाहिए। अभी हमारे पास लगभग 15 दिन का समय है। हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि पेपर को पढ़ते कैसे हैं या पेपर को डिस्कस करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो आप जान लीजिए, पेपर पढ़ने के दौरान आप अपने मन में भारी भरकम शब्दों को देख करके डरने की प्रवृत्ति को हटा दीजिए। अमूमन ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं भारी भरकम विकल्प या भारी भरकम किसी ऑप्शन को देख करके उनको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा या वे इस कथानक को नहीं पढ़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए हम सरसरी तौर पर आपको कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव, कुछ न्यूट्रल और कुछ सुपर पॉजिटिव वेरिएबल से परिचित कराते हैं जो आपके आगामी पेपर्स के लिए सहायक होंगे। पहला जो प्रश्न है वो NCF 2005 से है। पाठचर्या ऐसी हो जो कि पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, अनुभव को बांटने के लिए तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए ये कहा जा रहा है। आप इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन क्वेश्चन देख करके इसमें डरने की बिल्कुल नहीं है। ये जो बात कर रहा है ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में NCF ने बात कही हुई है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम चाहते हैं बालक में इन्वेस्टिगेशन, शेयरिंग, इंटीग्रेशन, एक्सपीरियंस और रिप्रोडक्शन एबिलिटी को निर्माण कर सकते हैं। हम टेक्सचुअल नॉलेज को नहीं बल्कि हम बालक में उस नॉलेज को इनकलकेट करना चाहते हैं जो नॉलेज उसके इमीडिएट लाइफ से संबंधित होता है। अब प्रश्न को समझने के बाद अब हम जानना चाहते हैं इसका विकल्प क्या है। मान लिया जाए, एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि आपको प्रश्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हुआ है और आप प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं इसको कैसे कोरिलेट करेंगे सही ऑप्शन क्यों लेकर के। पहला विकल्प के बच्चों के अनुभव को निरस्त कर, देखिए यहाँ पे बच्चों के अनुभव को निरस्त कर देना, स्टूडेंट्स हमने कई बार डिस्कस किया होगा आपसे कि बच्चे के अनुभव को निरस्त करना या टू डिस्कार्ड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन, यह एक निगेटिव विकल्प है। यह कभी भी किसी भी ऑप्शन में सही नहीं होने वाला है, यह कभी भी सही नहीं होगा। टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सिक्वेंशियली, पाठ पुस्तक के अभ्यासों को क्रमवार कराएं, पूरा कराएं, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। पाठ पुस्तक हमारे शिक्षण या अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का सेंटर नहीं होते हैं। विकल्प नंबर थर्ड करा, टू इंश्योर दैट ही और सी आस गुड क्वेश्चंस एंड चिल्ड्रन राइट आंसर दियर नोटबुक्स। देखिए इस क्वेश्चन में इस विकल्प में दो भाग हैं। पहला भाग कर रहा है कि गुड क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति बच्चों को पढ़ाना और दूसरा भाग कर रहा है कि बच्चे अपने आंसर को स्वयं अपने नोटबुक में लिखें। तो देखिए पहला भाग तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरा भाग जो है कि अपने क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखना ये निगेटिव है। लिहाजा यह जो विकल्प होगा कभी सही नहीं हो सकता है क्योंकि नोटबुक में उत्तर लिखना लिखवाना या एक पैसिव लर्निंग का पहचान है, इसलिए यह कभी सही नहीं हो सकता है। आइए हम जो सही विकल्प है उसको बात करते हैं। विकल्प नंबर चार, बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना। जब हम EBS की पेडागॉजी पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ था EBS पढ़ाने का उद्देश्य हो, चाहे प्राथमिक स्तर पर किसी भी ज्ञान का उद्देश्य क्यों न हो, हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बालक के लिए ताकि वह अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्वयं से क्रिएट कर सके और अपने ज्ञान को वर्तमान जीवन के साथ जोड़ सके। तो टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन, तो इस क्वेश्चन में बहुत ही चालाकी से आपको टीचर का दायित्व बता रहा है NCF। NCF के अनुसार टीचर का क्या दायित्व होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन मिल जा रहा है
कि टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन, शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को विविध सीखने के अवसरों को प्रदान करे और जिसमें चिल्ड्रेन शेयर दियर ओन अंडरस्टैंडिंग, और बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान स्वयं करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। इस तरीके से विकल्प नंबर चार में न सिर्फ आपको सही ऑप्शन मिलता है बल्कि ये मिलता है कि NCF के अनुसार टीचर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। टू इनकरेज अ चाइल्ड टू पुट इन एफर्ट इन हिज और हर स्टडी, टीचर नीड टू, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहले कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका बच्चा अगर पढ़ने के लिए रेडी नहीं है तो शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, यही बात यहाँ पूछने की कोशिश कर रहा है। कंपेयर द चिल्ड्रन विथ अदर, ये सुपर निगेटिव विकल्प स्टूडेंट्स, ये कभी भी सही नहीं होने वाला है। इसको दिमाग में बैठा ले बिल्कुल तरीके से, क्योंकि RTE एक्ट 2009 में स्पष्टता बात कही गई है चैप्टर नंबर 3 में, देयर शुड नॉट बी एनी कैटेगराइजेशन सीरियलाइजेशन और कंपेरिजन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दियर अचीवमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ दियर IQ और ऑन बिहाफ ऑफ मेंटल एबिलिटी। तो कंपेयर करना यह एक निगेटिव बिहेवियर है, अमूमन हम व्यवहार में प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बच्चे को कंपेयर करें। ऑप्शन नंबर हम सेकेंड करें, मोटिवेट द चाइल्ड, यह एक पॉजिटिव विकल्प है, लेकिन इस पर हम जजमेंटल होने से पहले विकल्प नंबर सी और डी को पढ़ लेते हैं। स्कॉल द चाइल्ड, बच्चों को डांटना ये निगेटिव बिहेवियर है, क्योंकि RTE एक्ट में लिखा हुआ है कि एनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट वेदर दैट इज कॉर्पोरल और वेदर दैट इज वर्बल आर नॉट अलाउड, किसी प्रकार के दंड को शिक्षक नहीं दे सकता है। कंट्रोल द चिल्ड्रेन, बच्चों को नियंत्रित करना शिक्षक का दायित्व तो नहीं है, शिक्षक दायित्व तो क्या है, ऐसे सकारात्मक रिइंफोर्समेंट उपलब्ध कराना जिससे बच्चे स्वयं सीख जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 निगेटिव है, 3 निगेटिव है, 4 निगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ 2 है जो कि सही है। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सहमत है आप? विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशन लर्निंग एंड मोटिवेशन, इनडायरेक्टली आपसे पूछ क्या रहा है इसमें? आपसे पूछ ये रहा है कि संवेगों का, अधिगम का और प्रेरणा का आपस में क्या संबंध होता है। पहले जान लीजिएगा, संवेग, अधिगम और मोटिवेशन का आपस में संबंध कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बीच में अधिगम और मोटिवेशन के बीच में सकारात्मक संबंध बताया हुआ है, और कुछ ने सकारात्मक नकारात्मक दोनों संबंध बताया हुआ अधिगम इमोशंस के बीच में। आइए हम सही विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। इमोशंस आर इन इनएक्सट्रिकेबली इंटरवीन विद द मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा और सीखना के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से संबंध रहती है। ये हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई इसका रिसर्च बेस्ड आंकड़ा उपलब्ध नहीं है या डेटा उपलब्ध नहीं है। इमोशन डू नॉट प्ले एनी रोल, देखिए एक बात और ट्रिक बता रहा हूँ, जिस विकल्प में डू नॉट प्ले एनी रोल या ऑलवेज प्ले या नेवर प्ले या सम टाइम प्ले या ऑफन प्ले, इस टाइप के शब्द आए, वे विकल्प कभी भी सही नहीं होते हैं, उनसे बचने की कोशिश करिएगा, उनमें माथा पच्ची करने कोई ज़रूरत नहीं है, उन विकल्प को पढ़िए और आगे चलिए, क्योंकि वो सही कहीं नहीं होगी। क्योंकि जो हमारा जो CTET है या DEET+ है या कोई भी टीचिंग का क्वेश्चन क्यों ना हो, वह कभी भी किसी भी एक्सट्रीम विकल्प को सही नहीं मानता है कि हमेशा होगा या कभी नहीं होगा, ये हमारे एक्सट्रीम अतिवादी विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर 3 आते हैं, लर्निंग समथिंग न्यू इन इज डिपेंडेंट ऑन हाउ इमोशनली बैलेंस एंड गुड वी आर दैट, कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। देखिए हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों में कंफ्यूजिंग है, इसलिए बार बार मैं हिंदी मीडियम बच्चों को सचेत करता रहता हूँ कि किसी भी प्रश्न को निर्णय लेने से पहले एक बार सरसरी तौर पर इंग्लिश मीडियम के विकल्प जरूर पढ़ लें। अगर आप यहाँ पे हिंदी मीडियम के विकल्प पढ़ते हैं, इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, उसमें अर्थ निकल रहा है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, तो बालक निपुण नहीं हो सकता है,
यहाँ पर देखिए तो निपुणता का कोई मापदंड हमारे शिक्षा में नहीं हो सकता है, इस लिहाज से यह निगेटिव विकल्प की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम इंग्लिश वाला विकल्प पढ़ते हैं, लर्निंग समथिंग न्यू, अधिगम में कुछ नया हो, इट डिपेंड, यह उस बात पर आश्रित करता है हाउ इमोशनली बैलेंस्ड, कि बालक कितना संवेगात्मक रूप से संतुलित है, अथवा नए अधिगम के लिए आवश्यक है कि बालक आपका संवेगात्मक रूप से संतुलित अवश्य होना चाहिए, एंड गुड वी आर दैट, और यह हमारे अधिगम के लिए अच्छा होता है, यह हमारे लिए अच्छा होता है। यहाँ गुड वी आर दैट, अब इसकी हिंदी में अनुवाद लिख दिया हुआ है, हम उसमें कितने निपुण हैं, हम उसमें मतलब क्या अधिगम में निपुण है या संवेग निपुण है, दोनों के लिए कन्फ्यूजिंग विकल्प है। यदि हम अधिगम से लेते हैं, यदि अधिगम में बालक निपुण हो गया तो उसको सीखने की क्या ज़रूरत है, यदि संवेग निपुण हो गया तो वह बालक कैसा रह गया। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज होता है कि वे इस शब्दों से कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में साफ साफ लिख दिया हुआ है कि नया अधिगम तभी संभव है जब बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित हो और उसको सीखने के लिए अच्छा हो। गुड वी आर दैट मतलब कि मेंटली प्रिपेयर्ड हो, जिसको कि थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस कहा हुआ है। हम चौथा विकल्प देखते हैं क्या कहता है, इमोशन नीड टू बी पुश्ड असाइड, देखिए नहीं, ये निगेटिव विकल्प कर रहा है, ये अतिरंजित या बहुत ही मतलब कि आइडलिस्टिक मोड की बात कर रहा है। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रखना चाहिए, नहीं, हम सिखा रहे हैं तो भावनाओं का उसमें होना अति आवश्यक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि मोटिवेशन के बिना हम कैसे सिखा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो उद्देश्य होते हैं ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक स्तर के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के आकलन के लिए होते हैं। हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी डिस्कस किया होगा, नहीं किया होगा तो यहाँ पर संक्षेप में बता देते हैं, ब्लूम ने 3 प्रकार की टैक्सोनॉमी का वर्णन किया उनके सहयोगियों ने मिलकर के, पहले कॉग्निटिव डोमेन के आधार पर जिसमें 6 प्रकार के अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, दूसरा अफेक्टिव डोमेन के आधार पर जिसमें 6 प्रकार के अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, इसी प्रकार साइकोमोटर डोमेन के आधार पर जिसमें भी 6 प्रकार के अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों ने 1956 में ज़्यादा जोर दिया किस पर, ज़्यादा जोर दिया कॉग्निटिव डोमेन पर, जो डेवलप की गई अनुदेशनात्मक वर्गीकृति थी उस पर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उद्देश्य पूछ रहा है। अभी शुरू में हमने बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, हम ज्ञानात्मक स्तर के प्रश्नों के आकलन करने के लिए मल्टीपल चॉइस प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। एक बात और बता दें, जब हम ज्ञानात्मक स्तर के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को अपने लेसन प्लान में लिखने लगते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकग्नाइज, स्टूडेंट विल बी एबल टू साइट डेफिनेशन, तो यहाँ रिकग्नाइज वर्ड आ रहा है हिंदी में सही उत्तर की पहचान करने के लिए, मतलब दैट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन मेमोरी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो होता है उद्देश्य बालक का स्मृति स्तर कितना रहा हुआ है, बालक ने कितना सीखा हुआ है, इसका पता लगाना होता है। यहाँ पर व्याख्या नहीं होता है, यहाँ पर रिकॉल नहीं होता है या कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, सही उत्तर पहचानना। सामाजिकरण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, सामाजिकरण प्रक्रिया में सम्मिलित क्या नहीं होता है, सामाजिकरण जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं, जेनेटिक ट्रांसमिशन यह एक हेरिडिटी प्रोसेस है। जेनेटिक ट्रांसमिशन मतलब ये होता है जब एक पीढ़ी से कोई गुण दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है उसे हम जेनेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। तो यह पहला ही नहीं है बल्कि और सब है। इस विकल्प में देखिए आपको एक नहीं है बाकी 3 हैं। तो अमूमन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एक विकल्प जान लिए कि ये नहीं है बस हमारा काम हो गया, नहीं, आपको ये जानना है कि बी सी डी अगर हमारे काम की चीज़ है उसको हम याद करें। क्या कर रहा है बी, क्या कर रहा है, लर्निंग द कस्टम एंड नॉर्म्स ऑफ द कल्चर, ये सोशलाइजेशन की विशेषता है। एक्विजिशन ऑफ स्किल,
ये कौशलों का अर्जन करना ये भी समाजीकरण की विशेषता है। अक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ ये भी समाजीकरण की विशेषता है। आप पिछले साल के पेपर उठा कर देख लीजिए, कई साल के पेपर में एक्विजिशनल ऑफ सोशल बिलीफ बोला हुआ है, वो क्या है? समाजीकरण है। इस तरीके से आपको यहाँ पे तीन डेफिनेशन समाजीकरण की मिल गई, इसको याद कर लीजिएगा। वॉट टर्म फ्रेज डज जीन पियाजे यूज मेंटल स्ट्रक्चर विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। हमने डिस्कस किया होगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग क्या है। यह प्रश्न आपको एक बार और आया हुआ है 2012 में, जहाँ प्रयोग किया हुआ है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ प्रयोग किया हुआ है फ्रेमवर्क फॉर न्यू नॉलेज एंड न्यू लर्निंग। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, इसको जीन पियाजे ने स्कीमा कहा हुआ है। जो स्टूडेंट नहीं जानते हो जान ले कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के लिए निर्माण प्रखंड का काम करती है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक बार फिर से हम बहुत विनम्रता से प्रार्थना करना चाहेंगे कि स्कीमा क्या आप लिटल मीनिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग रूप में याद करिए, जो चिंतन के निर्माण प्रखंड लिखा हुआ है। इसमें आप फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, इसलिए आप कोशिश करिए अपने सेफ खेलने की कि आप उसको इंग्लिश में याद करके आगे चलिए। और यहाँ पर मैचुरेशन ब्लॉक ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जोन ऑफ डेवलपमेंट ये वाइगास्किन दिया हुआ था। जीन तो हमने डिस्कस किया हुआ, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ज्ञान को ले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगास्की, व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक देमसेल्फ, हमने डिस्कस किया होगा आपको प्राइवेट स्पीच की संकल्पना, इनर लैंग्वेज स्पीच, जिसको हम आंतरिक भाषा या व्यक्तिगत भाषण कहते हैं। इसके संदर्भ में वाइगास्की का क्या पर्सपेक्टिव है और जीन पियाजे का क्या पर्सपेक्टिव है, दोनों को डिस्कस किया होगा। जीन पियाजे के अनुसार बालक का स्वयं का वार्तालाप वह एक अहम केंद्रित और अर्थहीन और इमेच्योर प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, प्राइवेट स्पीक इज द मीनिंगलेस ईगोसेंट्रिक एंड इमेच्योर प्रोसेस। यद्यपि वाइगास्की के अनुसार हमने आप लिखवाया होगा, आप नोट्स उठा के पढ़ लीजिएगा, हमने यही वर्ड लिखवाया होगा कि चाइल्ड यूजेस प्राइवेट स्पीच टू गाइड, टू रेगुलेट, टू मॉनिटर, टू कंट्रोल हिज बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल फिनोमेना। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया हुआ, गाइड। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ पे दिशा देने के लिए नहीं लिखवाया होगा, बल्कि निर्देश देने के लिए लिखवाया होगा। आपने पढ़ा होगा वहाँ पे, यहाँ पर देखिए गाइड शब्द आ रहा है हूबहू। तो ये ऑप्शन नंबर सी हूबहू आपका प्राइवेट स्पीच के महत्व की बात कर रहा है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और आगे चलिए फिर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 पूरी तरह निगेटिव है, इसका कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। अधिगम असक्षता वाले लर्निंग चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी ये क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। पहले एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिससे हिंदी में बोलते तंत्रिका तंत्री विकार, यह न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग के कारण होता है, तंत्रिका तंत्री अव्यवस्था के कारण होता है, जिसमें बालक की बुद्धि सामान्य सामान्य से अधिक होती है, फिर भी बालक ठीक से लिख पढ़ बोल नहीं पाता है, जिसके कारण उसको अधिगम के कुछ क्षेत्रों में समस्या होती है। अब कह रहा ये है क्या, इजली रिकग्नाइज एंड कम्प्रीहेंड साइट वर्ड, ऐसा कोई मापदंड नहीं है, इजली रिकग्नाइज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हैव रिटार्डेड मेंटल, हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, नहीं ये मानसिक मंद के नहीं होते हैं, मानसिक मंदता के इनका संबंध नहीं होता है। हैव लो आईक्यू, जब मानसिक मंदता नहीं है तो लो आईक्यू होने का कोई औचित्य ही नहीं ठहरता है। हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट, ये देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया की डेफिनेशन लिख दिया हुआ है, जैसा कि हमने डिस्कस किया होगा कि डिसलेक्सिया क्या कह रहा है। डिसलेक्सिया में बालक को पाठन में या रीडिंग में समस्या होती है, तो यहाँ पे बात आ रही है ऑप्शन नंबर 4 सही है। हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के संदर्भ में हमने जेपी गिल 4 की डेफिनेशन लिखवाई होगी, उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब उसी डेफिनेशन के आलोक में, उसी डेफिनेशन के प्रकाश में पढ़िएगा तो हमने क्या लिखवाया होगा, हमने लिखवाया होगा क्रिएटिव चाइल्ड इज दैट चाइल्ड विच हैज डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आप नोट को पलट कर देखिएगा, उसमें साफ साफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा है कि बुद्धि का एक प्रकार संसाधन की गति को समृद्ध करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों में अत्यधिक निर्भर होता है।
देखिए माना कि ये विकल्प हमको समझ में नहीं आया हुआ है, फिर भी आप अत्यधिक निर्भर होना यह एक निगेटिव विकल्प है, क्योंकि यह एक अतिवादी विकल्प है। अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ये फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, पहले तो ये इंटेलिजेंस है ही नहीं है, पहले बात जान लीजिएगा। जबकि यूरी ब्रोफेट बेनन ने क्रिएटिव इंटेलिजेंस का वर्णन किया हुआ, लेकिन यहाँ पर उसका कोई औचित्यार्थ नहीं है, उसको आप लेके कन्फ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में बी देते हैं। ये क्या है? एबिलिटी है, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेबल। सृजनशीलता क्या है? एबिलिटी है। काहे की एबिलिटी है सर जी? प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन। देखिए जो डेफिनेशन में लिखवाया होगा हु बहु यही वर्ड इसमें है, डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हमने कहा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसके हिंदी में हम अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या? क्रिएटिविटी इज द बेस्ट डिफाइंड एज द आई क्यू ऑफ द, नहीं ये गलत है, कदाप नहीं है, इससे दूर हटिए। अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट रिफर्स स्किल, नहीं है ये इंटेलिजेंस सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सही होता तो पहला वाला विकल्प सही होता। ये दोनों में एक ही बात कही जा रही है, पहले वाले विकल्प में क्या कहा गया कि ये बुद्धि का एक प्रकार है, और विकल्प नंबर चार में भी कह रहा है ये बुद्धि का एक प्रकार है, नहीं दोनों गलत है, छोड़ के आगे चलिए। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय में वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं, आपके विद्यालय में इस संदर्भ में एक शिक्षिका को इस बारे में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए यदि वे बच्चे जो वर्किंग हैं, देखिए आईटी के अनुसार कोई बच्चा वर्क नहीं करना चाहिए, कोई भी उसको मतलब कि चाइल्ड लेबर में इंडल्ज नहीं कर सकता है, लेकिन यदि घरेलू काम में वह हाथ बटाता है और जो उसकी मजबूरी है, जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे सरकारी स्कूलों में लगभग 80% बच्चे ऐसे आते हैं जो डिप्राइव्ड क्लास के होते हैं, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन के होते हैं, जिनकी मजबूरी हो जाती है कि वे काम को करें। आप ऐसा जान रहे हैं तो बीइंग टीचर व्हाट यू थिंक अ टीचर शुड डू रिगार्डिंग टू होमवर्क, होमवर्क देने में क्या करेंगे आप? पहला, द टीचर शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रेन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये टीचर की ड्यूटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, देखने सुनने में विकल्प अच्छा लग सकता है आपको, लेकिन ये टीचर की ड्यूटी नहीं है कि वह बच्चे को रात में जागने के लिए इंश्योर करे या सुबह जल्दी सो उठने इंश्योर करे, ये टीचर के एथिक्स के खिलाफ है। टीचर के एथिक्स है क्या, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अभी हमारे पास समय नहीं है डिस्कस करने का। आस्क द पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रेन टू गेट ट्यूशन, नो नेवर नेवर। आप टीचर होने के नाते कभी भी किसी पेरेंट्स को ट्यूशन लगवाने के लिए नहीं कह सकते हैं, और ना ही ट्यूशन देने के लिए कह सकते हैं। आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हम इसको निःशुल्क ट्यूशन देंगे, क्योंकि ऐसा करना टीचर के इथिकल ड्यूटी के अगेंस्ट है। नंबर सी क्या कह रहा है? उसे उस बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए, नहीं ये तो निगेटिव है, इसको आप आसानी से एडिट कर जाएंगे, ये हो नहीं सकता है। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों घरेलू जीवन से जोड़ा, बिल्कुल सही और सटीक परिभाषा दे रहा है NCF 2005 के अनुसार, कि बालक के अधिगम को हम उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला होमवर्क देंगे सर, ऐसा होमवर्क देंगे जो अधिगम को बालक के वास्तविक जीवन से जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर चार को आप समझिए ही नहीं, बल्कि इसको याद भी कर लीजिए सर जी। प्रश्न नंबर 11 लेकर चलते हैं। इन इफेक्टिव क्लासरूम, एक प्रभावी कक्षा किसे कहते हैं, किस कक्षा को प्रभावी कर सकते हैं? बच्चे हमेशा उत्सुक रहे, पॉजिटिव विकल्प है सर, तैयार रहे, ठीक है, अच्छा है, ये भी विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या दे रहा है? इसका इंटरप्रिटेशन दे रहा है क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता, नहीं ये पहला तो विकल्प आधा सही का, लेकिन सेकेंड वाले पोर्शन में इसने भटका दिया, कुछ और कर दिया। क्या बोला कि शिक्षक आकलन लेता है इसलिए वो तैयार, नहीं ये